हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपका जूलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। उसमें यूनिट वन से सभी यूनिट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट वन से डिस्कस करेंगे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, आप सभी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उससे पहले जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसके? जूलॉजी के, ठीक है, जूलॉजी के। इससे पहले हमने केमिस्ट्री और बॉटनी के सभी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लें, ठीक है। चलिए, इनमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं ये कहीं ना कहीं लॉन्ग आंसर और आपके शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपने लॉन्ग और शॉर्ट को पढ़ लिया होगा तो ये उन्हीं से संबंधित हैं, ठीक है। तो हम सीधे बहुत ज़्यादा इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं, ठीक। नंबर एक पूछ रहे हैं, इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा आपका कौन सा है इनमें से जिनमें ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम पाए जाते हैं? क्या प्रोटीन है? प्रोटीन में पाए जाते हैं। लिपिड्स है, पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, और आपका क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। सबसे कम किसमें पाए जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और आपका न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इनमें सभी में पाए जाते हैं, लेकिन कम की बात कर रहे हैं तो ये आपके क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लिपिड्स, जिनमें ऑक्सीजन जो है आपका परमाणु वो सबसे कम मिलता है, ठीक है। किसमें? लिपिड्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है फास्फोलिपिड, ठीक है। क्या है? फास्फोलिपिड्स डीएनए आरएनए तथा कुछ प्रोटीन आदि संरचनात्मक जैविक अणुओं के संयोजन में भाग लेने वाले खनिज हैं, ठीक है। किसमें? फास्फोलिपिड, जैसे आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और कुछ आपका प्रोटीन आदि संरचनात्मक जैविक अणुओं के संयोजन में भाग लेने वाले खनिज। केवल फास्फोरस है, या केवल सल्फर है, या लोह है, या फास्फोरस एवं सल्फेट है। तो कौन है ऐसे आपके तत्व, ठीक है, जो आपके भाग लेते हैं, ठीक है। किसमें? डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन में, या कुछ आपके प्रोटीन की संरचना बनाने में, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इनमें आपका फास्फोरस ग्रुप भी होता है और आपके सल्फेट भी होते हैं, ठीक है। फास्फोरस ग्रुप और आपके सल्फेट भी इनमें जो है भाग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुलीकरण, क्या कह रहा है? बहुलीकरण बहुत पढ़ा में मोनोसेकेराइड के गुण किस बंध द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़े होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? मोनोसेकेराइड के गुण कौन से बंध द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं या जुड़े रहते हैं? तो क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, या एस्टर बंध होता है, पेप्टाइड बंद होता है, या फास्फोएस्टर बंद होता है, ठीक है। तो इसको बहुत पढ़ा है आपने, बहुलीकरण को, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो हमने पढ़ा था, जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? भी आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ कह रहा है ग्लाइकन्स किसे कहते हैं, ठीक है। क्या ग्लाइकन्स किसे कहते हैं, ठीक है। क्या प्रोटीन को कहते हैं, क्या ऑलिगोसैकेराइड को कहते हैं, या पॉलीसैकेराइड को कहते हैं, या डाइसैकेराइड को कहते हैं? क्या ग्लाइकन्स, ठीक है, किसको कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, मोनोसैकेराइड से ही आपका क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। उसमें बॉन्ड कैसा पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक। इसी आधार पर इन्हें ग्लाइकन्स कहते हैं, ठीक है, किसको? पॉलीसैकेराइड्स को, ठीक है, किसको? तो ग्लाइकन्स किसे कहेंगे? पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकन्स कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, ठीक है। उनमें जो एकलक होते हैं, मोनोमर होते हैं, वो अपने ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। कह रहा है ग्लाइकोसिडिक बंध निम्नांकित में किसे परस्पर जोड़ते हैं, ठीक है। जो ग्लाइकोसिडिक बंध होता है वो किसको आपस में जोड़ता है? क्या डाइसेकेराइड्स को जोड़ता है, मोनोसेकेराइड्स को जोड़ता है, ऑलिगोसेकेराइड को जोड़ता है, या पॉलीसेकेराइड को जोड़ता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड को नहीं जोड़ता है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड का तो फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। तो आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये मोनोसेकेराइड्स को जोड़ते हैं, या एकलकों को जोड़ते हैं, ठीक है। किसको जोड़ते हैं? एकलकों को। आपस में मान लो एक मोनोसेकेराइड ये आपका, एक मोनोसेकेराइड ये, और मोनोसेकेराइड ये, तो इसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये पॉलीसेकेराइड, ठीक है। बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं आपके? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और ये बंद आपका ग्लाइकोसिडिक बंद कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है पैरा
रेफिनोस तथा स्टेकियोस उदाहरण है, रेफिनोस और आपका स्टेकियोस उदाहरण है, क्या मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, डाइसेकेराइड के उदाहरण है, ऑलिगोसेकेराइड के उदाहरण है, ये आपके पॉलीसेकेराइड के उदाहरण, ठीक है, कौन से, रेफिनोज और आपका स्टेकियोज, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे सिक्स का क्या हो जाएगा, तो ये अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं आपके ऑलिगोसेकेराइड, ठीक है, क्या होते हैं ऑलिगोसेकेराइड के उदाहरण है, कौन कौन से, रेफिनोज और स्टेकियोज। सेवन कह रहा है बसा प्राय पानी में अघुलनशील, परंतु किस में घुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता लेकिन इनमें से कौन सा है जिनमें घुल जाता है ये बताना है, क्या कार्बनिक घोलक में घुल जाता है, या कार्बनिक घोलक में घुल जाता है, या ईथर में घुल जाता है, या पेट्रोल में घुल जाता है, तो इनमें से कोई एक ऐसा है जिनमें आपका बसा आसानी से घुल जाता है लेकिन जल में नहीं घुलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए तो ये अगर हम बसा की बात करें तो ये आपका कार्बनिक घोलक में जो है पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है, किसमें, कार्बनिक घोलक में, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका बी, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आसानी से घुल जाता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, कार्बनिक घोलक, ठीक है। पॉलीसेकेराइड है, अब पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं ये आपको बताना है, सेलुलोज होता है, या आपका ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, या प्रोटीन होता है, सेलुलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे आपके मोनोमर या एकलग मिले हों, ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज आपके क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आ हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं शरीर में भोजन कहाँ संचित होता है, ठीक है, शरीर में भोजन कहाँ संचित होता है या कहाँ इकट्ठा होता है, गुर्दा में, यकृत में, या बसाकाय में, या दोनों, आ तथा बा, गुर्दा में या यकृत में, या आपका बसाकाय में, या दोनों में, आ और बा, तो आंसर करेंगे कि जो आपका भोजन है वो शरीर में कहाँ पर आपका ठहरता है, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें कहाँ संचित होता है, ठीक है, और कहाँ यानी कि किस रूप में संचित होता है, तो ये भोजन आपका बसाकाय में, ठीक है, कहाँ, बसा बॉडी में जो है ये आपका संचित होता है भोजन हमारे शरीर में, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर सा हो जाएगा, तो बसाकाय में, ठीक है, कहाँ संचित होता है, बसाकाय में। कह रहा है 1 ग्राम मोल, ठीक है, क्या 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, क्या करेंगे जब 1 ग्राम मोल का क्या करना है आपको, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना है तो कुल कितनी ऊर्जा लगभग निकलेगी ये आपको बताना है, 686 कैलोरी या 68,600 कैलोरी, या आपका इतना दे रखा है, ठीक है, 686,000 एंड आपका दे रखा है 686,000 कैलोरी, तो इनमें से एक कौन सा आपका आंसर ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 का आंसर करेंगे आप क्या हो जाएगा, तो जब आप 1 ग्राम मोल ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन करा देते हो तो आपको मिलते हैं 686,000 कैलोरी, ठीक है, कितने कैलोरी, 686,000 कैलोरी, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, ऊर्जा की मात्रा है, ठीक है, इतनी आपको कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्या आपका 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, या 2,000 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, या 2,900 किलो कैलोरी ऊर्जा, या आपका 5,000 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, ठीक है, किसको, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 का क्या हो जाएगा, तो स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो इसको लगभग 2,900 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा चाहिए होती है प्रतिदिन कार्य करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है, ठीक है, किसका, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है, क्या यकृत में होता है, यकृत एवं पेशियां दोनों में होता है, रुधिर में होता है, या पेशियों में होता है, कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए आंसर करेंगे 12 का, तो ग्लाइकोजन का संचय आपका यकृत एवं पेशियों में, ठीक है, दोनों जगह, ठीक है, यकृत और पेशियां दोनों में आपका इसका संचय होता है। 13 कह रहा है हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा संचय किस पदार्थ से होता है, तो विटामिन से होता है, प्रोटीन से होता है, बसा से होता है, ग्लाइकोजन से होता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इनमें से किससे हमें मिलती है हमारे शरीर को, ये आपको बताना है, ठीक है, तो फैट की अगर हम बात करें, बसा की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा संचय करता है, ठीक है, हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है स्तनधारियों में, किसमें, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट संचय किस रूप में होता है,
कार्बोहाइड्रेट स्तनधारियों के शरीर में कौन से रूप में स्टोर होता है या संचय होता है? यकृत में ग्लूकोज के रूप में, पेशियों एवं तिल्ली में ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में, और पेशियों में लैक्टिक अम्ल के रूप में। तो किस रूप में ये संचित होता है या एकत्रित होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट आपका यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, किसमें? यकृत और पेशियों में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, ठीक है। 15 कह रहा, भूखा व्यक्ति सबसे पहले क्या प्रयोग में लाएगा, ठीक है, क्या चीज खाएगा? क्या वसा या ग्लाइकोजन, रुधिर या पेशी प्रोटीन, ठीक है। एक भूखा व्यक्ति सबसे पहले क्या प्रयोग में लाएगा, ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो उसके बॉडी के अंदर ही यूज होगा, ठीक है, भूख मिटाने के लिए, कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? 15 का आंसर करेंगे तो सबसे पहले ग्लाइकोजन, ठीक है, क्या है? ग्लाइकोजन, ठीक है, प्रयोग में लाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ब, ग्लाइकोजन को सबसे पहले जो है भूखा व्यक्ति प्रयोग में लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अनपचायक, ठीक है, कैसा? अनपचायक या नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है कौन सी? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है और आपका सुक्रोज है, ठीक है। ऐसा कौन सा शर्करा है जो अनपचायक शर्करा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अनपचायक शर्करा को हम सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से? सुक्रोज के नाम से, ठीक है, जिसका जल अपघटन करने पर ये हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, ठीक। नेक्स्ट 17 कह रहा है, असंतृप्त वसीय अम्ल, क्या ओलिक अम्ल है या आपका प्रोपियोनिक अम्ल है या आपका पामिटिक अम्ल है या इनमें से कोई नहीं? तो कोई एक ऐसा है जो असंतृप्त वसीय अम्ल है, कौन सा है ये आपने आंसर करना है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो असंतृप्त वसीय अम्ल की बात करें या अनसेचुरेटेड वसीय अम्ल की बात करें तो ये आपके ओलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, क्या होता है आपका? ओलिक अम्ल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आ हो जाएगा, ठीक है। 17 का क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बसा में कौन सा एल्कोहल पाया जाता है? बसा में आपका कौन सा एल्कोहल पाया जाता है? तो बसा में जो एल्कोहल होता है उसे ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है, क्या होता है आपका? ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। कह रहा है, शरीर में भोजन कहाँ संचित होता है? गुर्दा में संचित होता है, यकृत में संचित होता है या आपका वसाकाय में संचित होता है या और बा दोनों, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो भोजन का संचय होता है वो कहाँ पर होता है? आपका वसाकाय में होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है? वसाकाय में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सा, ठीक है, किसमें हो जाएगा? वसाकाय में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, क्या है आपका? पॉलीसेकेराइड, ठीक, पॉलीसेकेराइड। तो अभी हमने देखा था कि पॉलीसेकेराइड क्या था आपका? सेलुलोज था, ठीक है, तो सेलुलोज क्या है आपका? पॉलीसेकेराइड। बाकी सब आपके क्या है? मोनोसेकेराइड, ठीक है, क्या है आपके? मोनोसेकेराइड। यूनिट 2 की हम बात करेंगे, यूनिट 2 में आपके कुछ थोड़े से और ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं, इनको हम दोनों को एक ही में इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो, एक एक में बहुत 10-20 मिनट की रहेगी, ठीक है, तो इनको दोनों में हम ये दोनों को एक ही में इंक्लूड कर ले रहे हैं। कह रहे हैं, एंजाइम एवं हार्मोन में एक प्रमुख समानता है, दोनों में कौन सी समानता है जो कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं? दोनों प्रोटीन होते हैं, दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम में आते हैं, दोनों बार बार काम में आते हैं, दोनों निश्चित पीएच पर सक्रिय रहते हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसा लक्षण है जो दोनों में कॉमन या समान रहता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम में आते हैं, ठीक है, कौन कौन से? प्रोटीन और आपके हार्मोन, ठीक है, एंजाइम और आपके हार्मोन, ठीक है, दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम में आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बा कह रहा, समस्त उपापचय एंजाइम होते हैं, समस्त पाचन एंजाइम होते हैं, क्या आपका लाइगेजन लाइगेजेस होते हैं या आपका जल अपघटक होते हैं या आपका ट्रांसफरेज होते हैं या आपके ऑक्सीडेजेस होते हैं, ठीक है, तो कौन से होते हैं आपके सभी पाचक एंजाइम, ये आपको बताना है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए आंसर करेंगे सेकंड का, तो ये सभी आपके जो पाचक एंजाइम होते हैं ये आपके जल अपघटक होते हैं, क्या होते हैं? जल अपघटक होते हैं, ठीक है, जल अपघटक। नेक्स्ट थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा, कह रहा है, कौन से एंजाइम सब प्रोटीन पाचक हैं? कौन से एंजाइम सब प्रोटीन पाचक हैं ये आपको बताना है। क्या ट्रिप्सिन पेप्सिन इरेप्सिन है, और क्या हो गया? ट्रिप्सिन पेप्सिन इरेप्सिन है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज है, और टाइलिन पेप्सिन इरेप्सिन है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कौन से एंजाइम सब प्रोटीन पाचक हैं, ठीक है, तो इनमें से
कुछ एक पेयर ऐसे हैं जो सब प्रोटीन का पाचन करते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन पेप्सिन इरिप्सिन, ठीक है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन और आपका इरिप्सिन, ठीक है? ये सब प्रोटीन का पाचन करते हैं। कह रहे हैं एंजाइम शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो फंक ने दिया था, या खुराना ने दिया था, खुराना ने दिया था, या आपका कुन्हे ने दिया था, या ग्रिफिथ ने दिया था। कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने आपके एंजाइम शब्द दिया था, प्रस्तुत किया था? तो ये कौन है, ये आपके कुन्हे नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है? कौन से आपके कुन्हे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, आपका एंजाइम शब्द दिया था, ठीक है? एंजाइम शब्द दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है मेटेलिक आयन किसमें पाए जाते हैं, ठीक है? कौन से धात्विक आयन या आपके मेटेलिक आयन किसमें पाए जाते हैं, को एंजाइम में पाए जाते हैं, या एपो एंजाइम में पाए जाते हैं, या होलो एंजाइम में पाए जाते हैं, या प्रोस्थेटिक समूह में पाए जाते हैं, किसमें आपके जो है मेटेलिक आयन्स पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर करेंगे, ठीक है? तो इसकी अगर हम बात करें मेटेलिक आयन्स की, तो ये आपके जो है प्रोस्थेटिक समूह में पाए जाते हैं, ठीक है? सभी को हमने लॉन्ग आंसर टाइप में डिस्कस किया है, ये सभी पढ़ रखे हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कह रहा है एंजाइम में एपो एंजाइम का भाग दर्शाता है, ठीक है? एंजाइम में एपो एंजाइम का जो भाग होता है वो क्या बताता है आपको, क्या प्रोटीन हिस्सा होता है, ये आपका आयनिक हिस्सा होता है, या प्रोटीन हिस्सा होता है, या को फैक्टर होता है, ठीक है? कौन सा एपो एंजाइम भाग क्या बताता है आपको एंजाइम में? चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स का। तो ये आपका एक प्रोटीन का हिस्सा होता है, ठीक है? क्या होता है आपका एपो एंजाइम, आपका प्रोटीन का हिस्सा होता है, ठीक है? जो कि आपके एंजाइम के में प्रेजेंट रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, को एंजाइम कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है, को फैक्टर कहलाता है, या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है? एंजाइम का वह भाग जिसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सेवन का आंसर करेंगे क्या होगा, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं एपो एंजाइम, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका, एपो एंजाइम हो जाएगा, ठीक है? जो प्रोटीन का भाग होता है आमाशय में एंजाइम उत्पादन करती हैं कौन, ऑक्सिंटिक सेल, या आपकी पैराइटल सेल्स, या आपकी चीफ सेल, या आपकी म्यूकस सेल, ठीक है? किसमें आमाशय में एंजाइम का उत्पादन कौन करती है, इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए तो आमाशय में जो आपका एंजाइम का उत्पादन करती है ये आपकी चीफ सेल होती है, ठीक है? कौन होती है आपकी, चीफ सेल होती है, ठीक है? कौन सी होती है, चीफ सेल होती है। नेक्स्ट कह रहा कौन सा एंजाइम जठर रस में पाया जाता है, तो ये कौन सा एंजाइम जो आपके जठर रस में पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नाइन, कौन सा एंजाइम जठर रस में पाया जाता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, या आपका एंट्रोकाइनेज होता है, ठीक है? तो कोई एक ऐसा एंजाइम है जो आपका किस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है? तो जठर रस की बात करें तो जठर रस में आपका पेप्सिन नामक एंजाइम जो है पाया जाता है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, ठीक है, जठर रस में। नेक्स्ट कह रहे हैं एंजाइम की खोज किसने करी थी ये बताना है, क्या एडवर्ड बुनकर ने की थी, या कुहन ने की थी, या फिशर ने की थी, या आपका कैशलैंड ने की थी, ठीक है? तो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एंजाइम की खोज करी थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपका 10, कौन थे जिन्होंने एंजाइम की खोज करी थी ये आपको जो है बताना। चलिए आंसर कीजिए 10 का क्या हो जाएगा, एंजाइम की खोज किसने करी थी, तो ये थे आपके एडवर्ड बुनकर, ठीक है? कौन थे, एडवर्ड बुनकर, जिन्होंने 1897 कब, 1897 में जो है क्या बताया था, एंजाइम की खोज करी थी, ठीक है? किसकी खोज करी थी, एंजाइम की खोज करी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है एंजाइम होते हैं क्या, होते हैं एंजाइम ये आपको बताना है, ठीक है? क्या प्रोटीन एंजाइम होते हैं, स्टीराइड एंजाइम होते हैं, प्रोटीन तथा शर्करा एंजाइम होते हैं, प्रोटीन तथा वसा एंजाइम होते हैं, तो ये बताना है कि एंजाइम होते हैं इनमें से कोई एक सही है, उसका आप आंसर करेंगे कौन सा हो जाएगा। चलिए एंजाइम की अगर हम बात करें तो आपके प्रोटीन एंजाइम होते हैं, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? प्रोटीन को क्या कहते हैं, हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, लेकिन एंजाइम को हम प्रोटीन नहीं कह सकते, ठीक है? प्रोटीन को एंजाइम नहीं कह सकते, ठीक है? सॉरी,
सभी एंजाइम आपके प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोटीन तो एंजाइम होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम आपके प्रोटीन नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट करें, एंजाइम की अधिकतम कार्यशीलता होती है ऑप्टिमम पीएच पर, या ऑप्टिमम तापमान पर, या आ और पा दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो आपका एंजाइम है वो सबसे ज़्यादा कार्यकारी या क्रियाशील कब होता है ये बताना है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच पर, या ऑप्टिमम ताप पर, या दोनों पर, ए और बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। तो इसकी जो अधिकतम कार्यशीलता होती है वो कब होती है, दोनों पे, ठीक है, आ और बा, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच पर और ऑप्टिमम ताप पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ठीक है, आ तथा वा दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, ताला कुंजी सिद्धांत क्या था। ताला कुंजी की एंड लॉक थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, कुन्हे ने दिया था, फिशर ने दिया था, कोचलैंड ने दिया था, या बुनकर ने दिया था। तो ताला कुंजी सिद्धांत जो है वो किसने दिया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनको सबको हमने लॉन्ग आंसर में पढ़ लिया है। चलिए बात करेंगे किसने दिया था ये। तो ये जो आपके वैज्ञानिक थे, ये फिशर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ताला कुंजी जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम की क्रियाशीलता सदैव निर्भर करती है किस पर, सबस्ट्रेट की उपस्थिति पर, या कोएंजाइम की उपस्थिति पर, या आ और बा दोनों की उपस्थिति पर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो आपका एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, 14 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो एंजाइम की क्रियाशीलता हमेशा जो है सबस्ट्रेट की उपस्थिति पर निर्भर करेगी, ठीक है, किस पर, सबस्ट्रेट की उपस्थिति पर, ठीक है, क्रिया कारक क्या है आपका उसकी उपस्थिति पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि दीर्घ प्रोटीन अणु के प्रारंभिक पाचन से बनने वाले उत्पाद क्या है, ठीक है, किससे, दीर्घ प्रोटीन के अणु से प्रारंभिक पाचन, ठीक है, उनका जो पहले पाचन हो जाता है, मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, उनमें कौन कौन से आपके पदार्थ बनते हैं। तो क्या बनता है, पेंटोन बनता है, प्रोटीओज बनता है, पेप्टाइड आदि चीजें जो है बनती हैं, ठीक है, किससे, दीर्घ प्रोटीन के अणुओं से, ठीक है, उनका जो प्रारंभिक पाचन होता है उनमें इतनी चीजें आपकी बन जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है एंजाइम, ठीक है, एंजाइम क्या है, यह एक बहुलीकृत शर्करा है, ठीक है, क्या है, अमाइलम, ठीक है, सॉरी लिखा है अमाइलम, ये क्या है यह आपको बताना है। तो यह एक प्रकार की बहुलीकृत शर्करा होती है, ठीक है, यानी कि शर्कराएं जो है वो शर्कराओं के छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर क्या करेंगे, एक बड़ा शर्करा बना लेंगे, ठीक है। तो भाई क्या है, बहुलीकृत शर्करा है जिसमें ग्लूकोज के अणु ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसके ये जो आपका ग्लूकोज है, आपका शर्करा है, तो इसके अणु आपस में किससे जुड़े रहेंगे, भाई ग्लाइकोसिडिक बंध से, ठीक है। मान लो ये ग्लूकोज है, एंड देन ये ग्लूकोज है, एंड देन ये ग्लूकोज, तो ये जो बॉन्ड होगा ये कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। कह रहे हैं एंजाइम के वर्गों के नाम लिखिए, एंजाइम के वर्गों के नाम लिखिए, कौन कौन से वर्ग के एंजाइम होते हैं। तो आपके कौन कौन से वर्ग के होते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, और आपका ट्रांसफरेज, और आपका लाइगेजेज, और आपका हाइड्रोलाइजेज, और आपका लाइजेज, और आपका आइसोमरेज, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके एंजाइम है, ठीक है, ये सभी क्या है आपके एंजाइम है, ठीक है, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, ठीक है। तो इन सभी एंजाइम्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो एंजाइम के वर्गों के नाम क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, और आपका क्या है, ट्रांसफरेजेस, और आपका लाइगेजेस, एंड आपका हाइड्रोलाइजेस, एंड आपका लाइजेस, और आइसोमराइजेस, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके एंजाइम्स के वर्गों के नाम है, ठीक है। तो ये हमने एक और दो, यानी कि पहला और सेकंड यूनिट हमने यहाँ पर कवर किया है, जिसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, दोबारा से और देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू।